दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर मैंने टाटा टियागो की फीचर्स को एक्सप्लेन किया था और हमने बात करी थी कि क्यों टियागो इतनी फेमस हो रही है। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बहुत सारे कमेंट्स करे और मुझसे पूछा कि टाटा टियागो और टिगोर के बीच में क्या मेन फीचर वाइज डिफरेंसेस हैं, ताकि इन फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपना एक कॉन्शियस बाइंग डिसीजन ले सके। इसीलिए इस वीडियो के अंदर टाटा टियागो और टिगोर के बीच के टॉप 15 डिफरेंसेस को मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ट्विज़र्ड्स ऑटोमोबाइल्स में मैं विनीत शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। टियागो और टिगोर, इन दोनों का दिल सेम ही है, यानी कि इनका इंजन सेम यूज किया गया है। डीजल के अंदर 1050 सीसी का रेवोटॉक इंजन और पेट्रोल के अंदर 1200 सीसी का रेवोट्रॉन इंजन। जहां पे पेट्रोल इंजन 85 पीएस की पावर और 114 एनएम की टॉर्क देता है, वहीं पे डीजल इंजन 70 पीएस की पावर और 140 एनएम की टॉर्क देता है। ये दोनों चीजें सेम रहेगी फॉर टियागो एंड टिगोर। तो इंजन रहा इनका सेम, लेकिन क्योंकि गाड़ियों के साइज में डिफरेंस है, इसलिए पहला डिफरेंस आ जाता है इनकी माइलेज में। जहां पे टियागो का एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज 23.84 पेट्रोल में और डीजल के अंदर 27.28 है, वहीं पे टिगोर का एआरएआई सर्टिफाइड माइलेज 20.3 और 24.7 है पेट्रोल और डीजल रेस्पेक्टिवली के लिए। इंजन से मूव करते हैं गाड़ी की फर्स्ट अपीयरेंस पे। पहली ही नजर और आपको पता लग जाएगा कि टियागो एक कॉम्पैक्ट हैचबैक गाड़ी है और टिगोर एक कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी है, यानी कि टिगोर के पीछे एक बड़ा बूट आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ कुछ और डिजाइन एलिमेंट्स भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। टिगोर के अंदर टियागो के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्रोम यूज किया गया है। जगह जगह पे इसके वेदर लाइन है उस पर क्रोम है, पीछे क्रोम एप्लीक दिया गया है, विच मेक्स द कार वेरी अट्रैक्टिव। साथ ही में आपको टियागो और टिगोर दोनों में 14 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, लेकिन टिगोर के पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि काफी आकर्षक लगते हैं। अगर आप टिगोर की बात करते हैं तो वंस अगेन टियागो और टिगोर दोनों में 3D हेडलैम्प्स तो हैं, लेकिन टिगोर के जो हेडलैम्प्स हैं वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। तो ना सिर्फ आपके लिए एक यूटिलिटी का अच्छा यूटिलिटी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको देखने में भी गाड़ी काफी आकर्षक लगेगी बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। एक और चीज जो कि डिजाइन पे काफी ज्यादा प्रभाव डाल रही है वो है इन दोनों गाड़ियों के स्पॉयलर्स। दोनों ही कार्स के अंदर अच्छे स्पॉयलर्स आ रहे हैं। जहां पे टियागो के अंदर आपको एक HMSL सेंटर में और साइड में दो ब्लैक कलर के स्पॉयलर्स पैड्स मिलते हैं, वहीं पे टिगोर में आपको एक कंटिन्यूस ब्लैक रंग का स्पोर्टी स्पॉयलर मिल जाएगा, जिसपे आपको एक कंटिन्यूस लाइन LED लाइन मिलती है HMSL की, जो कि गाड़ी को काफी आकर्षक बना देती है। तो यहां पे मुझे टिगोर की जो ओवरऑल लुकिंग है प्लस जो उसका पीछे का डिजाइन है HMSL का जो स्पॉयलर का, वो काफी आकर्षक लगता है। साथ ही में आपकी जो टिगोर गाड़ी है ये एक नॉर्मल सब 4 मीटर सिडान गाड़ी से थोड़ी अलग है। इसका जो पीछे का डिजाइन है वो कंटिन्यूस है, उसके अंदर कहीं भी आपको ब्रेक नहीं महसूस होगा, एक कूपे लाइक फीलिंग आएगी, विच मेक्स अ कार रियली अट्रैक्टिव। टियागो के अंदर रियर वाइपर आ रहा है विद वॉशर, लेकिन टिगोर के अंदर वो नहीं आता। टिगोर का बूट 419 लीटर का है और टियागो का बूट 242 लीटर का। अब बूट की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि टिगोर के यूनिक है, टियागो में नहीं आ रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रिक बूट लिड ओपनिंग। टिगोर गाड़ी के अंदर आपके पास चाबी के ऊपर ही बटन से आप प्रेस करके बूट को खोल सकते हैं और आपके डैशबोर्ड कंसोल के ऊपर भी ऑफकोर्स बूट को खोलने के लिए बटन दिया गया है। और उससे भी ज्यादा आकर्षक चीज है इसके बूट का 4 बार मैकेनिज्म। टिगोर कार के अंदर जो बूट लिड ओपन करने के लिए जो बार्स दिए गए हैं वो गाड़ी के अंदर नहीं जाते, लोहे के एंगल नहीं है, वो हाइड्रोलिक बार्स हैं जो कि आपके बूट को ऊपर कर देते हैं। तो ऐसा करने के कारण आपको पूरा 419 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, चाहे अंदर सूट केसेस पड़े हों, चाहे कोई भी सामान हो, आप आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जो आपके कंफर्ट को बढ़ाते हैं। टिगोर के अंदर आपको फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपके कंफर्ट को काफी एनहांस कर देता है। आपको टियागो में इसकी जगह मैनुअल एसी मिलेगा। साथ ही में आपको रियर सीट पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स, जो कि अगेन आपके कंफर्ट को एनहांस कर देता है।
और कंफर्ट मानिए या फिर सेफ्टी, टिगोर के अंदर आपको रियर सेंसर विद कैमरा मिलता है। टियागो में आपको सेंसर तो मिल जाते हैं लेकिन कैमरा आपको नहीं मिल पाता। टियागो के कंपैरिजन में टिगोर में एक बहुत ही बड़ा फीचर है जो कि टिगोर को एडवांटेजेस बना देता है और वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं टियागो और टिगोर दोनों में ही 8 स्पीकर का हार्मन इंफोटेनमेंट आ रहा है, लेकिन टिगोर के अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है 5 इंच का जो कि काफी आकर्षक है। इसका टच भी काफी अच्छा है। इसमें आपको जैसा कि हम बात कर चुके हैं रिवर्स कैमरा तो है ही, साथ ही में वॉइस कमांड रिकॉग्निशन भी है जो टियागो में मिसिंग है। टियागो के अंदर आपको नेविगेशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ नेवी ऐप, दैट इज टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लेकिन टिगोर में आप एक्चुअल मैप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टिगोर के अंदर हम फोटोज और वीडियोस भी देख सकते हैं क्योंकि ये आपका टच स्क्रीन एक अच्छा हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन आपको मिल जाता है जो कि टियागो के अंदर नहीं है। टिगोर आपके SMS पढ़ के भी आपको सुना सकती है, ये फीचर भी टियागो के अंदर नहीं आता। तो बहुत सारे इंफोटेनमेंट रिलेटेड फीचर्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं विद टियागो एंड टिगोर बोथ, लेकिन टिगोर ज्यादातर एप्स के साथ कंपैटिबल है। टिगोर और टियागो दोनों ही कार्ड्स आपको टॉप एंड पेटल के अंदर AMT का मजा दे देती है, आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें मिल सकता है। इनकी प्राइस में काफी डिफरेंस आता है, जहां पे हम टियागो का स्टार्टिंग प्राइस 3,35,000 से शुरू होता है पेट्रोल के अंदर, वहीं पे टिगोर का स्टार्टिंग प्राइस 4,84,000 से स्टार्ट हो रहा है पेट्रोल के अंदर। अगर हम डीजल की बात करते हैं तो 5,72,000 से स्टार्ट हो रहे हैं टिगोर के प्राइसेस और 4,16,000 से शुरू हो रहे हैं टियागो के प्राइसेस। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस टिगोर और टियागो के बीच में। टियागो का वजन टिगोर से थोड़ा सा कम पड़ता है, इस कारण से आपको सेम इंजन होने के बावजूद टियागो के अंदर थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट इंजन इनके सेम है, उनकी परफॉर्मेंस भी आपको दोनों कार्स में सेम ही देखने को मिलेगी। मैंने ये फीचर्स आपके साथ इसलिए शेयर करे हैं ताकि आप अपनी जरूरत को समझते हुए गाड़ी की फीचर्स देखें, गाड़ी की प्राइस देखें और देखें कौन सी कार आपकी जरूरत को बेहतर फुलफिल कर रही है। लुक वाइज दोनों ही कार्स अच्छी है, टिगोर थोड़ी और प्रीमियम फील देती है क्योंकि इसका लुक काफी स्पोर्टी स्टाइलिश है और देखने में अच्छा है। टियागो का भी लुक अच्छा है लेकिन वो एक हैचबैक कार है, वो एक सेडान सब 4 मीटर सेडान कार नहीं है। सोचिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, सीखते रहिए सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।